हे दोस्तों, दिस इज हिमांशु। आप देख रहे हैं टेक्नोलिक टीवी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M20 के बारे में। आज इसके बारे में दोस्तों कुछ जानेंगे, कुछ इसके प्रोस जानेंगे, कुछ इसके कॉन्स भी जानेंगे, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्योंकि यार काफ़ी सारी मैं वीडियो देख रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी सारी पेड वीडियो देख रहा हूँ, जो कि आप बोल रहे हैं कि इसमें पबजी HD में चलेगी या इस फोन की काफ़ी अच्छाई है दोस्तों की जा रही है। तो मैं दोस्तों बिल्कुल रियल और ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देने वाला हूँ कि किन लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना है, कैसा रहने वाला है, क्या इसके अंदर के फीचर्स हैं, कुछ अंदर की बातें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप पहली बार आए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबा देना ताकि आप ऐसी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तो यार आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी M20, इसकी दोस्तों सबसे बड़ा प्रो मुझे ये लगा है कि आपको इसमें एक शानदार बैटरी मिलती है, जिसका साइज आपको मिलेगा 5000 mAh का। साथ में दोस्तों आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि दोस्तों 11000 की प्राइसिंग में एक कमाल की डील आपके लिए होने वाली है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा बातें करते हैं, आपको ज़्यादा टॉक टाइम चाहिए, तो डेफिनेटली यार आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी लाइफ इस फ़ोन की शानदार है। अगला प्रो दोस्तों मुझे लगा इस फ़ोन का, वो है दोस्तों इसका लुक। आप दोस्तों आगे की साइड से देख सकते हैं, पहली बार सैमसंग ने इंप्लीमेंट की अपनी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, इसे दोस्तों सैमसंग बोलती है इन्फिनिटी वी टाइप की डिस्प्ले, तो दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। स्क्रीन के साइड भी दोस्तों आपको 6.3 इंच यानी बड़ी स्क्रीन आपको दी गई है। बैक से बात करें तो दोस्तों सैमसंग का जो पारंपरिक डिजाइन है अपने रीति रिवाजों से दोस्तों थोड़ा हट गई है। अब की बार उन्होंने दोस्तों आपको ग्लॉसी पैनल दिया है बैक में, जो कि पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लुक आपको प्रोवाइड कराएगा 11000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर। अगला दोस्तों जो मुझे लगा है इस फोन का प्रो, वो है दोस्तों टाइप सी पोर्ट। यार इस प्राइस के हिसाब से आपको कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं देता है किसी भी डिवाइस में, तो ये दोस्तों एक बढ़िया स्मार्टफोन है और एक देखा जाए तो एक ब्रांड की तरफ से एक पहली पहल है कि आपको अच्छा बैटरी लाइफ के साथ आपको टाइप सी पोर्ट भी दे, जो कि दोस्तों एक कमाल की बात है। तो ये भी दोस्तों इसका सबसे बड़ा प्रो है। अगला प्रो दोस्तों मुझे लगा इसका बैक कैमरा। यार बैक में दोस्तों आपको 13+5 MP का डुअल कैमरा दिया गया है अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ। इसका दोस्तों एपरेचर आपको मिलेगा मेन कैमरे का 1.9 का, और जो सेकेंडरी कैमरा है उसका मिलेगा दोस्तों 2.0, जो कि दोस्तों एक कमाल की डील होने वाली है, क्योंकि बैक कैमरा दोस्तों इस फोन का काफ़ी शानदार रहने वाला है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M20 के कुछ कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा कौन दोस्तों मुझे लगा इस स्मार्टफोन का, वो है इसका दोस्तों प्रोसेसर यानी कि चिपसेट। आपको मिलता है दोस्तों एक्सोनस का 7904 1.8 GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट, जिसमें आपको दो कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स 73 के हाई परफॉर्मेंस के। अब दोस्तों मैं कंपेयर करूं इसके जो कंपेटिटर हैं, आपको हेलियो P70 मिल जाता है, जो कि दोस्तों इससे काफ़ी बढ़िया CPU है। बात करें स्नैपड्रैगन 660 की, स्नैपड्रैगन 636 की, फिर ये उनसे बीट हो जाता है इजीली। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों आपका सैमसंग हैंगसंग ना बने, यानी कि आपका फ़ोन हैंग ना हो, लैग ना हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि आप 2-3 महीने इसको चलाएंगे, एप्लीकेशन लोड होंगी, इनकी खुद की कस्टम UI है, तो डेफिनेटली आपको डेली टू डेली लाइफ में भी लैग देखने को मिलने ही वाले हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस कर देख लेना, इस बात की दोस्तों मेरी गारंटी है। अगर बात करें दोस्तों इसके दूसरे कौनस की, तो यार ये गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप 11000 रुपये खर्च कर एक गेमिंग स्मार्टफोन ले लें, तो मैं कहूँगा दोस्तों आप इसको परचेज मत करना, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माली का G71 MP2 लेवल का डुअल कोर GPU मिलता है, जो कि दोस्तों इतना पावरफुल नहीं है। क्योंकि इसके जो कंप्यूटर में अगर देखूं तो स्नैपड्रैगन 636 में दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ग्राफिक मिल जाते हैं। तो अगर आप हैवी गेम्स खेलना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप कैजुअल गेमर हैं, आप मीडियम सेटिंग पर छोटे मोटे गेम्स को खेलते हैं, चाहे हैवी भी खेलते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आप एक हार्ड कोर गेमर हैं, तो यार आपको इस स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना है, आप जाइए यार स्नैपड्रैगन 660 के कुछ स्मार्टफोन के साथ। हाँ तो दोस्तों इसका अगला कौन है यार, इसका फ्रंट कैमरा। फ्रंट में दोस्तों आपको मिलता है 8 MP का एपरेचर 2.0 के साथ एक कैमरा, जो कि यार बिल्कुल मुझे एवरेज सा लग रहा है, क्योंकि अगर कंपेयर करें दोस्तों इसके कंपेटिटर में, तो आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो यार मैं कहूँगा कि जो सेल्फी के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, एक कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यार उनकी इच्छा तो यहीं मर जाएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों इतना बढ़िया कैमरा नहीं दिया गया है फ्रंट में। अब दोस्तों मैं आपको इस फ़ोन की ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं, बिल्कुल दोस्तों कोई बायस रिव्यू नहीं करूंगा, बायस कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, बिल्कुल जो रियल है वही बताने वाला हूं कि किनको ये लेना है। दोस्तों अगर आप सैमसंग के फ़ैन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ओनली सैमसंग का फ़ोन लें, डेफिनेटली आप इसको आँख बंद कर ले लीजिए। दूसरा दोस्तों जो एक नॉर्मल यूज़र है, यानी कि वो खाली फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और आप मान लीजिए थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लेते हैं, जैसे कैंडी क्रश खेल लिया, कुछ गेम्स खेल लिए, तो डेफिनेटली यार आप इस फोन को परचेज करना, आपको एक कमाल का स्मार्टफोन मिलने वाला है, क्योंकि कमाल की दोस्तों बैटरी लाइफ है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लें, नहीं लेना है, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन नहीं लेना है, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन नहीं लेना है,
बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन तब भी ये नहीं लेना है। ये दोस्तों एक बेस्ट स्मार्टफोन नहीं है, ये ओनली दोस्तों एक एवरेज स्मार्टफोन है। इसमें सारी चीज़ आपको एवरेज मिलेंगी, यानी कि आपको इसमें कैमरा बेस्ट नहीं मिलता है, आपको इसमें गेमिंग भी बेस्ट नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों एक ये है कि आप नॉर्मल यूजर हैं, अगर आप दोस्तों ज़्यादा गेम खेलते नहीं है तो दोस्तों आप गेमिंग स्मार्टफोन का वैसे भी करेंगे क्या, आपको एक ब्रांड का मिलेगा और आपको एक ऐसे स्मार्टफोन मिलेगा जो दोस्तों आपको डेली टू डेली लाइफ के लिए एक सफिशियंट है। तो मेरे दोस्तों ओपिनियन यही है कि अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, अगर दोस्तों आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सैमसंग का फोन ले तो डेफिनेटली यार आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये था यार इस स्मार्टफोन की ओपिनियन और इसके प्रोज एंड कॉन्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो दोस्तों लाइक कर कमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।